हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इस नाग चंपा के बारे में बताऊंगी कि नाग चंपा का प्रोपोगेशन कैसे करें, इसकी केयर कैसे करें और इस ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिले इसमें, और नाग चंपा और इस चंपा में अंतर क्या है जिसे कि पुलमेरिया कहते हैं। फ्रेंड्स, ये नाग चंपा भी इसी फैमिली का प्लांट है। जैसे इसकी स्टेम में काटो तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वैसे इसमें भी निकलता है, लेकिन इसकी जो है स्टेम मोटी मोटी होती है, ये देखिए, और इसकी स्टेम पतली पतली होती है। और सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि इसकी पत्तियां जो हैं आगे से नाग के फन की तरह होती हैं, इसलिए इसको नाग चंपा कहते हैं। और फ्लावर लगभग एक जैसे खिलते हैं, उसमें भी इसी तरह से फ्लावर्स खिलते हैं। और जो है जैसे नाग चंपा में, वैसे चंपा में भी खिलते हैं। अभी मेरी चंपा में फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन इसमें भी गुच्छों में ही फ्लावर्स आते हैं। और इसी तरह ये नाग चंपा केवल एक ही कलर का अभी तो मैंने देखा है, और लेकिन ये वाली चंपा जो है पुलमेरिया, इसमें कई कलर के फूल आते हैं, जैसे पिंक, येलो, वाइट, एक प्योर वाइट, एक वाइट में बीच में येलो कलर का डॉट होता है। और इसकी पत्तियां नाग के फन की तरह होती हैं, और इसकी पत्तियां इस तरह से लंबी लंबी और थोड़ा चौड़ाई लिए होती हैं। और इनकी सॉयल मिक्स और जो है इनको लगाने का ढंग, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, ये भी कटिंग से बहुत अच्छा लगता है। कटिंग तो हम हर बार करते हैं इनकी। देखिए, मैंने पहले एक ये दो स्टेम थी, फिर मैंने कटिंग की तो इसमें देखिए कितनी स्टेम बनी हुई है। लेकिन इनकी कटिंग मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, क्योंकि उतने पॉट चाहिए, उतनी केयर करनी चाहिए। और इनकी कटिंग बहुत आसानी से आप काट के जब कटिंग करें तो स्टेम को रख दें, लगभग एक हफ्ता ज़रूर रख दें, सूख जाए, उसका जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो सूख जाए, फिर उसको लगाएं तो बहुत आसानी से। इसको तो मैं कटिंग से ही लगाई हूँ, मैं कहीं गई थी वहाँ से एक छोटी सी कटिंग ले आए थे, पहले ये सिंगल थी, फिर इसको मैंने कटिंग किया तो तीन ब्रांच, अब इसमें भी कटिंग किया तो हर में दो दो ब्रांच निकली है, तो कितना घना मेरा प्लांट ये वाला हो गया है। और नाग चंपा में भी कई स्टेम हो गई है, देखिए एक उधर भी है, उसमें भी फ्लावरिंग हुई है। तो इसको आप, इसका पॉट कम से कम 12-15 इंच का होना चाहिए, छोटा पॉट होगा तो इसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। और उसके बाद इसमें बेल्डेंड मिट्टी 40% अपनी गार्डन सॉइल, 40% जो है बालू सैंड, और 20% गोबर की खाद सड़ी हुई मिला दें, तो इसमें पानी की, अरे खाद की कोई बहुत विशेष रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साल में दो बार इनमें आप 1-1 किलो खाद डाल दें गोबर की। और उसके बाद आप जैसे अपने हर प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसी तरह से देते रहें, ये प्लांट हेल्दी रहेगा और बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। पानी की रिक्वायरमेंट जहाँ है कि इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं, गर्मी में भी एक बार पानी दे दीजिए तो ये इसके लिए पर्याप्त रहता है। और ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसमें फ्लावरिंग कम होगी, और इसको कम पानी मिलता है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और लोकेशन की बात जहाँ आती, इसको खूब धूप चाहिए, दिन भर की धूप लगे तभी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। डिजीज की बात जहाँ तक आती है, डिजीज इसमें कोई लगती नहीं है,
वैसे नहीं लगती है, लेकिन एहतियातन नीम आयल इसका एक स्प्रे महीने में एक बार कर दें कि कोई माइट्स वगैरह अगर अटैक हुआ हो तो वो ख़त्म हो जाए। वैसे मैंने अभी देखा नहीं हमारे किसी भी इसमें, कई साल से हमारे पास ये चंपा नाग चंपा दोनों है। तो इस तरह से नाग चंपा की देखभाल करेंगे तो इसमें इस तरह से अभी सारे पंख जो बने हैं वो खिले नहीं हैं, अब स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। ये देखिए यहाँ छोटी सी ब्रांच है, इसमें भी कितनी कलियाँ हैं देखिए। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसकी डालियाँ बहुत नाजुक होती हैं, जरा सच हो जाए तो टूट जाती हैं, और आंधी आती है तो कोई गमला गिरे न गिरे नाग चंपा का गमला जरूर मेरा गिर जाता है। तो इनको कुछ करते समय बहुत सावधानी की भी ज़रूरत होती है, करते समय बहुत सावधानी रखें, नहीं तो इसकी स्टेम टूट जाती है बहुत जल्दी, बहुत नाजुक होती है। और चंपा के साथ ऐसा कुछ नहीं है, चंपा की डालियाँ इतनी नाजुक नहीं होती हैं। तो मैंने कुछ अंतर चंपा और नाग चंपा में बताया, और नाग चंपा के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार जो मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।